कुंडू साहब का स्वागत करते हुए ग्राम बूढ़ाखेड़ा के, इसमें बच्चे बूढ़े बिल्कुल एकता के साथ, भाईचारे के साथ ये दिखाते हुए कि कुंडू साहब हम आपके साथ हैं। जनता ये बहुत लंबी कतार कुंडू के वर्करों की और यश पुलिस की कहूँगा और इसके सिपाही को कहूँगा, बहुत लंबी यात्रा है कुंडू साहब की। आपकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस प्रदेश के लोगों को जगाना है। आज इस प्रकार का राजनीतिक तंत्र, जिस राजनीतिक सिस्टम हो चुका है, उसके ऊपर से लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास उठ चुका है। उसके लिए आज मैं प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, आज प्रदेश का हर वर्ग का बेहाल और परेशान है, पीड़ित महसूस कर रहा है। युवा की बात करें तो वो नौकरी के लिए आज जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर वन पहुंच चुका है। आज किसान हताश और निराश है, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वो आंदोलन कर रहा है, खिलाड़ी अपने खेल कोटा के लिए आंदोलन कर रहा है, आज सरपंच अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बुजुर्ग अपनी पेंशन कटने से आक्रोशित है, गरीब आदमी फैमिली आईडी में जो उनका राशन कार्ड कटने से इनकम के नाम पर जो उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है उससे पीड़ित और परेशान है। आज समाज का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस कर रहा है। उनको जगाने के लिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी होगी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी, राजनीति में होना बहुत जरूरी है। उसको सुनिश्चित करने के लिए मैं प्रदेश के लोगों को और युवाओं को जगाने के लिए निकला हूँ। और आगे ये जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन रहेगा जी? ये ठगबंधन रहे या ना रहे, लेकिन इस ठगबंधन को ये प्रदेश के लोग जूते मारने का काम करेंगे। और अभी फिर जवाब पूरी हरियाणा की पंचायत नाराज है खट्टर साहब से, इसका मुख्य कारण क्या जी? इनकी तानाशाही रवैया, हर चीज को अपने कैप्चर में करके लूट, खुद लूटना, यही इनका उद्देश्य और इनका एकमात्र लक्ष्य है। और आगे आप आजादी लड़ने के लिए लड़ोगे या किसी पार्टी से लड़ोगे? ये समय बताएगा, लोग बताएंगे, अभी तो बाकी टाइम है। हाँ, तो हमारे दर्शकों को आप, मैं आप सभी दर्शकों को राम राम करना चाहूँगा और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि मैं लोगों को जगाने के लिए युवा की, पढ़े लिखे युवा की राजनीति में भागीदारी हो। युवा जब तक नहीं आएगा आगे पढ़ा लिखा, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। उसके लिए मैं अपील करता हूं प्रदेश के युवाओं को, वो आगे आए और इस सत्ता की सिस्टम को ठीक करने में, इस प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के युवा के लिए आपको आना होगा और आपको इस राजनीति पाठ्यक्रम को, सिस्टम को बदलना होगा। जो राजनीतिक नेताओं के, पार्टियों के गुलाम और चाटुकार जिनको टिकट देकर विधानसभा में भेज रही है, उनको उनसे इस प्रदेश का पीछा छुटाना होगा। यही अपील करता हूं मैं प्रदेश के युवा को और प्रदेश की जनता को। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो हमारे साथ कुंडू साहब, बने रहिए टोरा धूल के साथ और जल्दी ही अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक कृषि पाल धूल का जय हिंद, वंदे मातरम।